तो नमस्कार दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ सुजुकी के शोरूम पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसका, बता दिया, अगर आप वीडियो अगर आपने 155 का नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए आप, सारे फीचर्स उसमें मैंने कवर करे हैं वीडियो में, नहीं हो जाएगी इस वीडियो में भी समझने में। तो प्राइस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, आपके सामने 250 खड़ी है, जो 249 सीसी का इंजन हमें यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। लुक मैं आपको एक बार इसका दिखा देता हूँ और 155 का दिखा देता हूँ। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ इसकी हेडलाइट्स। तो हेडलाइट्स और फ्रंट का लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ता है। विंड स्क्रीन आपको इसमें भी ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाती है, जो 155 में भी आपको देखने को मिली थी। और LED सेटअप के साथ हमें गाड़ी मिल जाती है। इग्निशन मैं इसका ऑन करके दिखाता हूँ और इसकी LED लाइट कैसी है वो हम लोग देखते हैं। तो कुछ ऐसा लुक आता है विथ DRL। तो आप देख सकते हैं LED लाइट का सेटअप DRL के साथ में। और यहाँ पे हमें सुजुकी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो फ्रंट डिस्क की अगर हम बात करें तो 320 mm का आपको डिस्क मिल जाता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हमें देखने को मिल जाते हैं इसमें। तो डुअल चैनल ABS के साथ में ये गाड़ी मिलती है। तो फ्रंट में और रियर में दोनों में आपको डिस्क मिल जाते हैं। ट्यूबलेस टायर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं विथ अलॉय व्हील के साथ में। और साइड प्रोफाइल से गाड़ी कुछ ऐसी दिखाई देती है। और यहाँ पूरा फ्रेम जो हम बात करेंगे तो आपको ये फाइबर का ही देखने को मिलेगा। और जिक्सर के आपको स्टीकर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिक्सर SF। और चलते हैं हम इसके इंजन की तरफ। तो इंजन मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका इंजन जो हमें मिलता है वो ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है। जो 155 का है वो हमारा एयर कूल्ड है और इसका हमें ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है। तो अगर हम 155 से, जैसा कि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, कंपेयर अगर हम बॉडी का करेंगे तो लगभग बॉडी हमें सेम ही देखने को मिल जाती है। थोड़ा वेट में हमें फ़र्क मिल जाएगा 155 में। तो अगर आप बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से गाड़ी को पसंद करते हैं और 250 क्योंकि प्राइस में थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है 155 के कंपैरिजन में, तो आप 155 पे जा सकते हैं। और रियर सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो आप वाइट कलर में सस्पेंशन देख सकते हैं, स्विंग आर्म सस्पेंशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और सीट का कुछ साइज़ यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है हमें। तो इंजन की अगर हम इसकी बात करें तो 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड है, जो 249 cc का इंजन हमें मिलता है ऑयल कूल्ड। और पावर इसकी जो हमें मिल जाती है 26.5 PS की पावर मिल जाती है 9300 RPM पर। और टॉर्क इसकी अगर हम बात करें तो 22.2 Nm का हमें टॉर्क मिल जाता है इसका 7300 RPM पर। तो आप, जैसा कि मैंने बताया, टूरिंग के पर्पस से अगर आप लेना चाहते हैं लॉन्ग टूर के पर्पस से, तो आप 250 पे जा सकते हैं। तो बहुत ही बेहतर पावर के साथ हमें ये गाड़ी मिल जाती है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये कि ऑयल कूल्ड इंजन हमें इसमें देखने को मिल जाता है। तो गाड़ी आप देख सकते हैं और इंजन भी देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन इंजन हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो इंजन का कुछ प्रोफाइल अगर हम बात करें तो रियर से कुछ ऐसा हमें कवर फाउल मिल जाता है देखने को। और नीचे सुजुकी की आप देखेंगे तो ब्रांडिंग देखने को आपको मिल जाएगी। और सस्पेंशन और अलॉय व्हील का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है यहाँ पर। और रियर टायर की हम बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी ब्रॉड टायर हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और फ्यूल टैंक की हम बात करें इसकी, तो 12 लीटर का ही फ्यूल टैंक इसमें भी हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्रोम में सुजुकी की आपको 3D लुक में ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और ट्रांसमिशन की हम बात करें तो 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ हमें ये गाड़ी मिलती है। और 150, जैसा कि मैंने आपको बताया, 155 में आ जाती है। तो बस दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन की आप बात करें तो देख सकते हैं दोनों ही गाड़ी खड़ी हैं। लुक आप देख सकते हैं दोनों गाड़ियों का। तो सिर्फ इंजन और पावर जो हमें मिलती है वो 250 में मिल जाती है, 6-स्पीड मिल जाते हैं, वेट मिल जाता है। और लुक की अगर हम बात करें तो लुक में लगभग सेम ही मिलती है देखने में। तो अगर आप लुक की वजह से सिर्फ लेना चाहते हैं तो आप 155 पे जा सकते हैं, अदरवाइज़ 250 तो बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है पावर के अकॉर्डिंग। तो पावर का कोई जवाब नहीं है इसका। अब हम सीधे बात कर लेते हैं इसके वेट की। तो वेट जो हमें मिलता है इसका वो 161 kg हमें देखने को वेट मिल जाता है। और सीट हाइट की बात करें तो 800 mm की हमें सीट मिल जाती है। व्हील वेस की बात करें तो 1345 mm का व्हील वेस देखने को मिल जाता है हमें। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है हमें इसमें। अगर हम बात करें इसके माइलेज की तो
टूरर पर्पज़ से बाइक है ये फुली, तो लगभग आपको 35-38 के समथिंग, 40 के समथिंग तक आपको इसमें माइलेज देखने को मिल जाएगा। वो भी डिपेंड करता है आपकी राइड कैसी है। और सीधे हम चलते हैं अब इसके मीटर की तरफ। तो मीटर कुछ मैं पहले इस पे बैठ जाता हूँ और आराम से आपको दिखाता हूँ इसका मीटर। तो मीटर आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। तो फुली डिजिटल मीटर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे मैं एक बार मीटर को बंद करता हूँ और ओपन करूँगा तो कुछ लाइट का ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलता है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो लाइट का आपको मीटर पे ही, डिजिटल मीटर पे ही एक लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा और फुली डिजिटल मीटर मिल जाएगा। हमारी ट्रिप ए, ट्रिप बी आ जाएंगी, इसमें मोड्स का ऑप्शन आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और क्लॉक आ जाएगी हमारी, गियर ऑप्शन आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया 6 स्पीड ट्रांसमिशन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, स्पीड आ जाएगी, डुअल चैनल ABS है तो ABS का आपको सिस्टम इसमें देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे फीचर्स हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं, क्लॉक वगैरह सब फुली हमारी डिजिटल मिल जाती है। इसका शेप कुछ ऐसा मिलता है और आप देख सकते हैं हैंडल, इस टाइम मैं हैंडल पे ग्रिप है मेरी, तो कुछ हैंडल का लुक ऐसा आ जाता है। और यहाँ पे आपको किल स्विच मिल जाएगा और यहाँ पे आपका सेल्फ का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ लो बीम, हाई बीम, साइड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं हमें यहाँ पे, और हॉर्न मिल जाता है यहाँ पे हमें देखने को। तो ओवरऑल गाड़ी आपको कुछ ऐसी मिलती है। तो आप देख सकते हैं रियर प्रोफाइल से गाड़ी कुछ हमें ऐसी दिखाई पड़ती है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमें रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ साइड से हमें गाड़ी ऐसी मिलती है दोनों तरफ से। एक बार मैं आपको लुक दिखा देता हूँ। देते हैं सीधे सीधे इसके प्राइस की बात। तो प्राइस अगर हम बात करें बरेली में, जो आपको पड़ेगी सुजुकी के शोरूम पे, कृषभ सुजुकी शोरूम बरेली में, पीलीभीत बाईपास रोड, तो 1,90,833 रुपये इसका एक शोरूम प्राइस हमें मिलता है। और RTO वगैरह सारा पेपर्स वर्क करके जो ऑन रोड प्राइस हमें मिलती है वो 2,24,526 रुपये हमें मिलती है। तो एक बार मैं आपको जिक्सर 155 और जिक्सर SF250 दिखा देता हूँ, से आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी इस वीडियो में भी समझने में। तो प्राइस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, आप दोनों का अगर हम प्राइस बताएं तो लगभग मैंने 60,000 से 70,000 रुपये का डिफरेंस दोनों ही गाड़ियों में आपको बता दिया। बस टूरिंग के पर्पज़ से ये बेस्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है, क्योंकि इसमें पावर मिल जाती है, डुअल डिस्क हमें मिल जाते हैं। मैं डिफरेंसेस आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, उसके लिए वीडियो मुझे अलग नहीं बनाना पड़ेगा। हमें डुअल चैनल ABS मिल जाते हैं, इसमें सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, इसमें 5 स्पीड ट्रांसमिशन हमें मिलते हैं और इसमें 6 स्पीड हमें देखने को मिल जाते हैं। वेट इसमें हमें लगभग 5 से 6 kg ज़्यादा मिल जाता है, इसमें थोड़ा सा कम मिलता है, और पावर्स हमें इसमें ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। बस इतने ही डिफरेंस आपको मिलते हैं। और इंजन तो आपको पता ही है, 250 cc आ जाता है और ये 155 cc आ जाता है। तो लुक के हिसाब से अगर आप दोनों में पसंद करें तो दोनों ही दिखने में सेम ही लगती हैं, बस प्राइस का फ़र्क आ जाता है और फीचर्स का फ़र्क आ जाता है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो दोनों ही गाड़ियों का, कमेंट्स में आप बताइएगा। प्राइस मैंने आपको इसका बता दिया। अगर आप वीडियो, अगर आपने 155 का नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, आप सारे फ़ीचर्स उसमें मैंने कवर करे हैं वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।